18 बजे ये दगलत नूर। अच्छा, शुगर फ्री खजूर है। 13 एकड़ बाग है और इसके अंदर कितनी किस्म की खजूरें लगी हुई हैं? तकरीबन कोई है ना 400-450 वैरायटी के लगभग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामी कराम, हम इस वक्त रंगपुर और मुजफ्फरगढ़ रोड, ये सामने रंगपुर है इस तरफ और जिस तरफ हम इधर जा रहे हैं, ये जो रोड सामने आ रहा है आपको नज़र, ये मुजफ्फरगढ़ रोड है, रंगपुर से मुजफ्फरगढ़ रोड। हम अभी आपको एक ऐसे बाग में लेकर जाएंगे जिसका आपने जिंदगी में पहली दफा विजिट करना है और मैंने भी पहली दफा करना है। ये खजूरों का लाजवाब बाग है। थोड़ी देर बाद हम आपको वहां ले जाएंगे और आप देखेंगे और हैरान हो जाएंगे। अगली तफसील हम वहां जाकर आपको बताते हैं। आइए हमारे साथ चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सामिन इकराम, मैं मोहम्मद अरशद अपने चैनल से आपके साथ मुखातब हूँ और आज एक नई वीडियो लेकर, और बड़ी ही मज़ेदार वीडियो बनने वाली है। आप मेरे साथ रहें, इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। खजूर जिसके मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर के अंदर खजूर और जिस घर के अंदर बकरी हो, उस घर में अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं। तो ये अंबिया कराम की सुन्नत वाले काम है और हम आपको लेकर आए हैं एक बाग में। इस बाग का क्या नाम है, इस बाग के मालकों का क्या नाम है और कब से ये बाग शुरू है, ये आपको हम इस बाग के ओनर से मिलवाते हैं और वही आपको ये बताते हैं। तो जी सर, जी आपका नाम? मोहम्मद हकीम जी। तो ये जगह कौन सी है जरा? खुदाई। खुदाई जिला मुजफ्फरगढ़। हाँ जी, ये खुदाई जिला मुजफ्फरगढ़ का इलाका है। ये कितना एकड़ बाग है जगह? 13 एकड़ बाग है। 13 एकड़ बाग है और इसके अंदर कितनी किस्म की खजूरें लगी हुई हैं? तकरीबन कोई है ना 400-450 वैरायटी के लगभग। माशाल्लाह, ये तो बहुत ज्यादा है। तो अब हम आपसे गुजारिश करेंगे, इब्तदा कब से हुई और आप इसको कब से इस बाग को शुरू किया हुआ है? इसके जरा इब्तदा जरी थी, उसके तो खूह ही चल रहा है। अच्छा, असा खूह के दौरान ही वाले साहब ने खजूर लाया ना, उस वेले दे नाल ही असा ऐसे ऐसे चलते चलते यहीं जा तक आ गए हैं। यानी अंदाजा कितना अरसा पहले की बात है ये? तकरीबन कोई 40-41 साल। 40 साल थी गए ने इस बाग नु शुरू किते होया। हाँ, ते हुण तक ये चलदा पिया वा। ते ये जिस खजूर दे कोल असी खड़े हैं, ये खजूर केड़ी है? इस खजूर दा नाम है मुजफ्फरगढ़ दी मशहूर तरीन वैरायटी है जरी। ठीक। ते इस ते अलावा ये पाकिस्तान दे विचों ही खजूरां ल्याण के लई है मुख्तलिफ इलाके, या इस तो अलावा भी कोई तुसी लै के आए? नहीं नहीं, सऊदी अरब दे में, इराक दे में, ईरान जां में काफी मुल्क दीआं खजूरां हैं। अच्छा अच्छा। हां जी, ते मुल्क एक पाकिस्तान दा अपना तलवतनी में काफी हैं, इस मुजफ्फरगढ़ इलाके दे में काफी हैं जी। हां, और बाहर दा में काफी वैरायटी हैं। अच्छा ठीक है जी, चलो साडे नाल ते सानू हुण अगलीयां वैरायटीयां बारी बारी चेक कराओ जी। हाकम साहब, ये किस केड़ा पौधा है, केड़ी नस्ल है? ये असील है, सिंध दी वैरायटी है। अच्छा, टॉप क्लास वैरायटी है, बड़ा फल चुकदी है। अच्छा हां जी, ए दा काफी देखे जी, इसका बड़ा अच्छा साइज है और कितनी खूबसूरत और कितना फल लगा हुआ है। ये बारिश की वजह तो थोड़ा जा इसमें मसला आ रहा है, वगरना बहुत अच्छी खजूर है जी। आगे चलें जी। जी हाकम साहब, ये कौन सी खजूर है जी, ए दे मतलब सानू जरा दसना? ये ढक्की खजूर है। माशाल्लाह। हां जी, डेरा इस्माइल खान दा घर ढक्की है, ये बड़ी आला किस्म की खजूर है, बड़ी अच्छी है। देखे जी इसका साइज, देखे जी ये काफी बड़ा साइज है माशाल्लाह। जितनी भी खजूर हूं तक देखी गई है, उसनों सब तो बड़ा साइज ये ढक्की दा आ रहा है। ये बहुत अच्छी खजूर है, इसलिए इन्होंने ये पूरी लाइन लगी हुई है, काफी अगे तक लगी हुई है जी। आए जी आगे चले। हाँ जी जी हाकम साहब, ये कौन सी वैरायटी है ये सानू जरा दस्सो? ये हलीनी वैरायटी है, ये बड़ी लेट वैरायटी है। अच्छा हां, बारिश ते करीब आ जाए, कैमरा मैन जरा करीब आ जाए, शाबाश, इस ते करीब आ जाए जी। ये जरा है बहुत अच्छी वैरायटी है, वो लेट वैरायटी है, बारिश से नहीं गलती। देखिए जी कितना साइज बड़ा है, अभी ये वो बहुत लेट वैरायटी है लेकिन इसका साइज कितना बड़ा है देखें। हाँ जी जी, ये ऊपर वाली कौन सी है? ये अखरोट है। अच्छा, ये लाल रंग का बड़ा बेहतरीन है। अच्छा, ये वाली ये, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसके बाद आप इधर आ जाए जी जी, ये बड़ी अच्छी है, लंबी है, पीले येलो रंग की है। ये कबकाब है वैरायटी? क्या जी? कब काब, इसका नाम कब काब है जी जी। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, ये अच्छी वैरायटी है।
ठीक है, इसका भी साइज ढकी की तरह है, बिल्कुल है ये। ठीक, तो उसके साथ ये आगे वाली इस ये ब्रहम है, आ जाए भी मस्कत और ईरान उसकी इलाके की खजूर है, मस्कत के इलाके की ये वैरायटी है। इसका नाम क्या है? ब्रहम, ब्रहम, ब्रहम खजूर है जी। ये मस्कत के इलाके से मंगवाए पौधे जी। हाकम साहब, एक खजूर केड़ी जेड़े ऊपर खड़ी है? ये शलेबिया है, सऊदी अरब की वैरायटी है, बड़ी टॉप क्लास वैरायटी है, बड़ी खूबसूरत वैरायटी है ये। यानी ये सऊदी अरब की वैरायटी है ये। इसके ऊपर ये येलो कलर की, पीले कलर की, ये कौन सी है? ये हलावी है, ये बड़ी टॉप क्लास वैरायटी है। ये हलावी है जी। जी ठीक है जी, अच्छी वैरायटी है। हां, कौन सी नस्ल है जी ये? ये कश्मीरी डोड़ा है। अच्छा जी, बड़ा टॉप क्लास है, बड़ा अच्छा है। ये देखे सामने, ये तीन तीन चार पौधे, बल्कि ये लाइन ही आप देख सकते हैं, ये शुरू से लेकर आखिर तक इधर आ जाए, शाबाश, ये बड़े अच्छे पौधे हैं ये। इसके सामने ये दूसरी खजूर कौन सी है? वो येलो कलर की ये बाना है, ये बाना है, ये भी बहुत अच्छी खजूर है। अच्छा अच्छा, बेहतरीन खजूर है। तो इससे आगे वो जड़ी लंबी लाइन लगी आ जाए। हाँ जी, वो सब्जा है। अच्छा हाँ, वो सब्जा है। शाबाश माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खजूर है, फल भी बहुत अच्छा लगा हुआ। जी जी ठीक हो गया। ये सब्जा है, ये सामने वाले जरा है, ये सऊदी अरब की वैरायटी है, खस्तावी इसका नाम है जी। इसका नाम क्या जी? खस्तावी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, खस्तावी है। ठीक हो गया। ये कौन सी वैरायटी है जी? ये असील वैरायटी, असील वैरायटी है। ठीक हो गया, बड़ी अच्छा फल है। अच्छा, मजमूई तौर पर तुम सू दसो कि ये जो बाग है, ये मतलब सारी मालूमत अस लैना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा बाग है, इतने इतना असि तो नहीं फिर सकते, कोई अच्छे तरीका के इसना असि विजिट कर सकिए, हर बंदा विजिट कर सकता है इस बाग। बिल्कुल, इनके बाद असा इनकी किताब भी लिखी है, उस मालिक ने, मियां मोहम्मद अफजल साहब ने, दाई साहब ने, वो यानी कि मार्केट च मिल सकती है। किस नाम तो किताब है जी? खजूर के नाम पे किताब है, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अफजल। अच्छा, खजूर फार्म। हाँ, मियां मोहम्मद अफजल खजूर फार्म। हाँ जी, खुदाई मुजफ्फरगढ़, मुजफ्फरगढ़। इस ना तो खजूर दे जड़ी मतलब का, यानी इतना बड़ा बाग है, सारा असि फर्दन फर्दन असि इसकी किसी किसी जगह ते नहीं पहुंच सकते। हाँ, बहुत वसी बाग है। ते हाकम साहब दे वकोल के ए अगर तुसी देखो कि बहुत वसी बाग है, देखो तुसी साडा कैमरामैन दिखा रहा है, दूर तक हद नजर इहदी को आखिर नजर नहीं आ रही। ते इतना बड़ा बाग का विजिट करना, कल्ली कल्ली खजूर नूं देखना, ये बहुत बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो है उनके बहुत अच्छा तरीका उन्होंने बताया कि इसके मतलब एक बकायदा इस बाग के मतलब एक किताब लिखी गई है, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, आप मार्केट से लेकर उसको पढ़ सकते हैं। इसके अंदर 400 से ज्यादा इकसाम की खजूरें, और वो भी अपने मुल्क से हटकर गैर मुल्क की भी, ईरान, सऊदी अरब, मस्कत, और जहां जहां से भी इसको इसके मालिक को शौक हुआ उसने वहां वहां से मंगाई। और ये 40 साल पुराना एक खजूर फार्म है जिस पर हर किस्म की खजूर, हम तो अब थक गए इसकी विजिट करके। ये अभी तक इसका हमने चौथा हिस्सा सैर किया है, इसके आगे जिधर भी देखे खजूर खजूर है माशाल्लाह। ये कितने बीघे आपने बताया? 13 एकड़। 13 एकड़, 26 बीघे, यानी 13 एकड़ का रकबा जो है पूरा खजूर लगी हुई है। और हर खजूर को फल पहले दरख्त से VIP फल लगा हुआ है, पहले से दूसरा अच्छा है, दूसरे तीसरा अच्छा है। जिस पौधे पर भी हम लोग जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अल्लाह की रहमत से बहुत अच्छा फल लगा हुआ। देखिए जी, इन्होंने अपने खजूरों के ऊपर बकायदा नाम लिखे हुए हैं। ये कौन सी खजूर है ये आप देख सकते हैं, ये देखिए उन्होंने रबी इसका नाम लिखा हुआ, ये अरबी खजूर है, इसके ऊपर नाम लिखा है, कुछ परेशानी ना हो कि जब ढूंढना पड़े बंदा आसानी से उससे दूसरा बंदा भी पढ़ सकता है क्या लिखा इसकी शक्ल भी है। इसका साइज देखें माशाल्लाह, ये कितने बढ़िया रबी है, इसका नाम आपने देख जी। सामने कराम ऐ तुहाडे सामने नवी वरायटी है तो जी आकम साहब, ये केड़ी वरायटी है जी? ये सऊदी अरब की वरायटी है, इसको नल्ला बोलते हैं। अच्छा, बड़ी टॉप क्लास वरायटी है, बड़ी अच्छी वरायटी है। ठीक जी आकम साहब, ये केड़ी खजूर है? ये उस्मानी। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, इसका साइज काफी है। माशाल्लाह हाथ खोलो, हाकम साहब ये पौधे के मतलब तुझे दसना जिस ते खड़े हैं कि ये केड़ा पौधा? ये दगलत नूर। अच्छा, शुगर फ्री खजूर है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी खजूर है। हाँ जी, बड़ी मिठास बहुत कम है। अच्छा, इतना कम है जो
शुगर हेवी कहना, यानी शुगर वाले मरीज खाना चाहन खा गए बिल्कुल। यानी ये पौधे जो देखे आप देख रहे हैं, ये मेरा कैमरा मैन दिखा रहा है आपको, ये पौधे जो है ये शुगर फ्री पौधे हैं। यहाँ इस खजूर दगलत नूर, इसका नाम है दगलत नूर। हाँ जी, तो ये जो शुगर फ्री पौधे हैं ये यहाँ पर दस्तयाब हैं। ये फार्म के अंदर हर किस्म के 400 किस्म से ज़्यादा इकसाम के पौधे दस्तयाब हैं। अगर कोई दोस्त अहबाब रब्ता करना चाहे तो इनसे मिल लें, शौकीन हजरात इनसे रब्ता कर लें, तो ये यहाँ पर आप कर देख लें, बाग का विजिट कर लें, पौधे पसंद कर लें। अगर किसी के पसंद आए तो वो पौधा यहाँ से ले सकता है। यहाँ पर 500 से लेकर 50,000 तक ऐसे आसन किस्म के कीमती कीमती पौधे भी हैं, और आम लोगों के लिए आम पौधे भी हैं, जो जिसका दिल चाहे जिस तरह का चाहे वो यहाँ से ख़रीद सकता है। ये इंतहाई अच्छा और इस इलाके का मैंने पहला ही फार्म देखा है जिसने बहुत अच्छी मेहनत करके इतना बड़ा फार्म और इतनी तादाद में पौधों को लगाना, ये बड़ी मेहनत और कावश का काम है। अल्लाह ताला इस बाग के ओनर और इसमें काम करने वालों को कामयाब फरमाए। एक बात आपने कही थी कि पिछले साल जो बाग खरीदने वाला था उसको क्या हुआ था? बहुत नुकसान हो गया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो 50,000 बस खरीद किया इस वजह वास्ते जो खजूरों का यानी कि मलेप कराने वास्ते बुरा रहने वास्ते बाकी सारे पैसे छोड़ देते ना। जेले वो आया वो तोड़ना की मुतालबा किया है। हां, तो ज्यादा कहता हूं तो आख्या ये भाई हां जी मैं तो जरा है 2 लाख तुसे बस तुसे अपने को रखो बाद देखे। अच्छा, बल भी वापस सारे पैसे वापस कर देते। सिर्फ कितने पैसे रखे? 50,000। वो किस वास्ते रख लिया? वो सिर्फ खजान दा जरा बुरा डेवन वास्ते उन्होंने मजदूरी है। जितने दा भी बाग विकया सीगा इना दे मालिक जेड़े मोहम्मद अफजल साहब ए हाकम साहब ए बहुत ही आपस में कजन है, ये बहुत ही नहायत ही नफीस आदमी है। बात का असल मकसद ये है कि बाग के बारी को इस तरफ अभी बारिश हो रही है, पिछले साल भी बारिश हुई तो नुकसान हो रहा था। वो बंदा 2 लाख छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन इन्होंने क्या किया, बात आपको समझाने का मकसद ये है कि उनको 50,000 दिया, फिर 50,000 दिया, आखिर में फिर 50,000 देकर सिर्फ उसने 2 लाख दिया था ना, तो 50 बच गया। उसको कहा यार ये जो है ना जो खजूरों की ये पोलिनेशन का अमल करते हैं उनकी मजदूरी दे जो, बाकी हमारी खैर है। ये इतने दरवेश लोग हैं, अल्लाह ताला इनके बाग को इनको कामयाब रखे। काम और कोई बात इसके मतलब कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, दुआएं। ठीक है जी, ओके शायद डेली पानी लाई रखी, शाम को पानी ला रखी, पानी ला रखी, इतनी गर्मी भी होती टिब्बे दे कुछ नहीं होता। तो ये जरा है इतना इतनी गर्मी चलो।